नवरात्रि के इन पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। वैसे तो माँ दुर्गा का हर रूप बहुत सरस होता है, लेकिन माँ का कूष्मांडा रूप बहुत मोहक और मधुर है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा के रूप की पूजा होती है। इस दिन अत्यंत पवित्र और चंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि इससे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। नवरात्र के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा होती है, जो जातक को खुशी, शांति, शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है, जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्होंने ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सृष्टि की आदि स्वरूपा है और आदि शक्ति भी। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। कूष्मांडा देवी के शरीर की चमक भी सूर्य के समान ही है। कोई और देवी देवता इनकी तेज और प्रभाव की बराबरी नहीं कर सकते। माता कूष्मांडा तेज की देवी है। इन्हीं के तेज और प्रभाव से दसों दिशाओं को प्रकाश मिलता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है, वो देवी कूष्मांडा की देन है। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा का विधान उसी प्रकार है, जिस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।